हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपके पास भी स्मॉल अमाउंट है, लाइक आपके पास $10 है, $20 है और आप भी मेरी तरह उस अमाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, मतलब कंपाउंड करना चाहते हैं जैसे मैं कंपाउंड करती हूँ ऑल वीडियोज़ में, तो आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो यूट्यूब पे आपने अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी, तो उसको फॉलो करके आप जो अपना स्मॉल अमाउंट है उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। और हाँ, अगर वीडियो को कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको सिग्नल्स चाहिए, सिग्नल्स के थ्रू प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो सिग्नल्स भी वहाँ से आप मेसेज ले सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो स्मॉल अमाउंट से ग्रो करना चाहते हैं जल्दी से, मतलब कंपाउंडिंग करके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे लाइव अकाउंट के अंदर है $1, ठीक है। और अभी $1 से हम कंपाउंडिंग करके देखते हैं हम कहाँ तक हम कर सकते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो $1 से कंपाउंड करना मतलब बहुत रिस्की होता है। मतलब अगर आपके पास $10 है तो आप कह सकते हैं आपके पास 10 चांस है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी एक ही चांस है, मैं $1 से स्टार्ट करूँगी और हम देखते हैं कि हम कहाँ तक अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, बिकॉज एक पॉइंट पे आके फिर सबको रुकना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा मार्केट फाइंड करेंगे एंड फिर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको समझाती हूँ। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लेने वाले हैं, बिकॉज आपको दिख रहा होगा ये ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। और यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड लगाई है, बिकॉज जो ओवरऑल हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आया, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है और हमारे लाइव अकाउंट के अंदर हो चुके हैं पूरे $2 कह सकते हैं हम, ओके। तो और किसी एसेट में चेक करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो थोड़ा वेट करना होगा हमें बिकॉज अपॉर्चुनिटी का, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर हमें पेशेंस करना होता है। अगर हम पेशेंस नहीं करेंगे तो हम अपना जो लॉस कर बैठेंगे, ठीक है, अपना अमाउंट। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लगाने वाले हैं। और मैंने डाउन की ट्रेड लगा दिया और यहाँ पे जो कैंडल है यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, बिकॉज आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करी है और वो प्रॉफिट में ही लैंड होगी हमारी, ठीक है। तो वेट करते हैं इसके विनोटी का। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली है हमें। तो और किसी एसेट पे चेक करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे एक और डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने अभी तक इस वाले लेवल को फुलफिल नहीं किया, यहाँ पे उसने फुलफिल कर दिया है लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से या फिर यहीं तक आ जाए मार्केट, तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी है और ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन होगी और हमें रेड कैंडल देखने को इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी रिफंड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और ट्रेड प्लेस करेंगे, ये ट्रेड हमारी रिफंड हुई है और यहाँ पे हमें राइट कैंडल देखने को मिलेगी, इसकी वजह से हम एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ऑलरेडी नीचे आ गया, तो थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट इस लेवल पे पहुँचे, ठीक है, या फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर हम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से निकल चुकी है, तो आप किसी और साइड में चेक करते हैं हम।
तो गाइस हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लगाने वाले हैं। और डाउन की ट्रेड हमने लगा दिया, सिंपल साइकोलॉजी हमने यूज़ करी है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन होगी। थोड़ा वेट करते हैं इसके विन होने का। तो गाइज आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है और यहाँ पे रेड कर्नल बन गई। और किसी एसेट में चेक करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो। तो यहाँ पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हम डाउन की ट्रेड लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी अपनी। तो गाइज हमारी ये वाली ट्रेड भी डेफिनेटली विन हो चुकी है क्योंकि हम मैंने देखा था यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत स्ट्रांग था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है, और वो विन हो गई, ठीक है। तो और किसी सेट में चेक करते हैं हम जब तक। तो गाइज हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हम आपकी ट्रेड लगाने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दिया, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्लियर। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने सपोर्ट के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है और वो ट्रेड डेफिनेटली विन होगी। थोड़ा वेट करते हैं विन होने का इसके। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ पे सपोर्ट था, इसकी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी ग्रीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिनेरियो हुआ था, ठीक है, और ये दोबारा से यहाँ पे सिनेरियो को फॉलो करके यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी। और किसी सेट में हम चेक करते हैं जब तक कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसके उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की ट्रेड लेंगे, ठीक है, आपकी ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, रेड है और यहाँ पे आपको ग्रीन है, ठीक है। तो देन यहाँ पे एक रेड डोजी दिख रही है आपको और यहाँ से एक ग्रीन डोजी दिख सकती है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे पैटर्न हमने फॉलो किया था ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो करने के बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो और किसी एसेट में चेक करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी आपकी ट्रेड इसलिए लगाई है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन होगी। इस ट्रेड का वेट करते हैं विन होने का। तो गाइज आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है सेफ्टी मार्जिन की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें यहाँ पे मार्केट में लाइंस ड्रॉ कर ली है। जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी पे आता है तो हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो जब तक हम किसी और सेट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो विक दिख रही है ये विक दिखा रही है कि यहाँ पे जो बायस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स इतने एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने आपकी ट्रेड लिया। और मार्केट इस वाले लेवल तक रीच करने जा सकता है, मतलब या फिर यहाँ तक जा सकता है और ये जो हमारी कैंडल है ये ग्रीन बन सकती है, इसकी वजह से मैंने जल्दी से ट्रेड लगा दी बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ तक फिल करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत अच्छी खासी डीप आईटीएम हो रही है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो लेवल है ये इसको फुलफिल कर दिया है इसने, अगर इसी लेवल पे रही या फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया इसने तो यहाँ से हम एक और अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ट्रेड हमारी बहुत अच्छी खासी आईटीएम हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली आईटीएम हो चुकी है और शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम हो रही है, ठीक है। तो और किसी एसेट में हम चेक कर लेते हैं जब तक। तो हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दिया और डाउन की ट्रेड लगाने का सीधा रीज़न यही है कि आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा सेलर्स का एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी वजह से मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड हमारी विन होगी, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था ये ट्रेड में हमें डेफिनेटली विन होगी बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा खास सेलर्स का एरिया था, ठीक है। और इसकी वजह से सेफ्टी मार्जिन की वजह से हमारी ट्रेड विन हो गई। और किसी एसेट में चेक कर लेते हैं जब तक हम। तो गाइज हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और यहाँ से हमने आपकी ट्रेड लगा दिया। यहाँ से आपकी ट्रेड लगाने का सीधा रीज़न यही है कि आपको दिख रहा होगा डोजी कैंडल है, ठीक है। देखा जाए तो इसकी बॉडी है वो बहुत छोटी सी है और इसकी विक्स बड़ी बड़ी है और इसकी वजह से हमें यहाँ पे डोजी कैंडल देखने को मिल गई और लोनली कैंडल भी देखने को मिली है और दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई और ये श्योर आईटीएम होगी, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई और ठीक है और अच्छी खासी आइटम हुई है यहाँ पे। तो और किसी एसेट में चेक कर लेते हैं जब तक हम। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक आपकी ट्रेड लगा दी है बिकॉज यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई है और ये जो यहाँ पे मैंने माउस रखा है यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से मैंने आपकी ट्रेड लगाई है। तो जब तक मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लेवल है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हमारी जो ट्रेड है वो विन हो जाएगी। तो देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे डेफिनेटली विन हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनेगी और ग्रीन कैंडल बन गई। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं पहले किसी और सेट में। तो हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दी और ये ट्रेड भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट एंट्री पे ली है और ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली विन होगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, इसका विन होने का। तो गाइज ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और बन गई। तो हमने अप्रॉक्स $1 से स्टार्ट किया था और अभी हमारे लाइव अकाउंट के अंदर है पूरे $1620,
ठीक है, $1,620 का हमने प्रॉफिट किया है, ऊपर से कंपाउंडिंग हमने $1 से स्टार्ट की थी। अब मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बेसिकली बहुत सारी चीज़ें बताई है और आपने मार्केट में देखी भी होगी, तो मैं बताना भूल गई होंगी जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगाई थी। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करी है। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है भी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और आपको अगर सिग्नल चाहिए तो आप सिग्नल्स ले सकते हैं। सिग्नल्स आपके प्रॉफिट करना चाहते हैं सिग्नल्स के थ्रू, तो आप टेलीग्राम में मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज करिए मेरे को, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।